नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है पंकज की। पंकज जो कि एक बहुत ही सामान्य वर्ग का इंसान था, जिसकी ज़िंदगी में पैसे की वैसी ही तंगियाँ थीं जैसे कि एक आम लोअर मिडिल क्लास के साथ हुआ करती है। पंकज की ज़िंदगी में पैसे के अलावा अभी तक तो बाकी कोई परेशानी नहीं थी, और इस पैसे की तंगी से भी जूझने के लिए वो एक सामान्य सा जॉब किया करता था, जिस जॉब में उसे इतने पैसे मिल जाया करते थे कि उसकी बाकी ज़रूरतों का काम चल जाया करता था। वो अपने परिवार को भी ठीक ठाक तरीके से पाल रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 8 साल का छोटा बच्चा था, जिसको कि वो पढ़ा भी रहा था एक ठीक ठाक से स्कूल में। उसका और उसकी पत्नी का सपना भी बाकी के माँ बाप की ही तरह था कि वो अपने बच्चे को बहुत जल्दी किसी बहुत अच्छे स्कूल में भेजेंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, क्योंकि पंकज और उसकी पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पंकज तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसकी पत्नी को सिर्फ थोड़े बहुत जोड़ घटाव की चीज़ें आती थीं और अपना सिग्नेचर करना ही आता था। इस वजह से उन दोनों का ये सपना था कि पैसों की तंगी के वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो मुसीबतें झेली हैं और जिस तरीके से कम पढ़ा लिखा होने के वजह से उन्हें बहुत जगह बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ें उसके बच्चे की ज़िंदगी में कभी भी ना आए। और तो और, जब वो पढ़ लिख कर कुछ बहुत अच्छा करने लगेगा तो वो उनके बुढ़ापे का सहारा भी बने, जैसा कि हर आम माँ बाप सोचा करते हैं। लेकिन हमेशा इंसान की सोची हुई और चाही हुई चीज़ें ही उसे ज़िंदगी में मिले ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा होने लगे तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा शायद थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन पंकज की ज़िंदगी में अब एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला था जिसके बारे में उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था। पंकज की नौकरी चली गई। वो जिस दुकान में काम किया करता था, उस दुकान को उसका मालिक बेचकर किसी दूसरे शहर में जा रहा था। उसने कहा भी कि अगर वो इस तरह से अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चले जाएंगे तो पंकज का क्या होगा। लेकिन मालिक ने यही कहा, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ मुसीबत में ही हूँ, मेरी दुकान यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, और वैसे भी मैं दूसरे शहर अब इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि वहाँ पर मेरा बेटा पहले से अपना बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, वहाँ जाकर वो मेरी थोड़ी मदद करेगा। यहाँ घाटे का बिजनेस मैं अब ज़्यादा दिन संभाल नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम लोगों की पगार भी देना अब मेरे बस की बात नहीं है। उन सेठ के दुकान में 3 लड़के काम किया करते थे पंकज को मिलाकर। अब अचानक उनके ऐसे जाने के बाद वो तीनों के तीनों बेरोजगार हो चुके थे। उन दोनों पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं थीं, लेकिन पंकज पूरी तरह से हार गया था। वो काफ़ी परेशान हो गया था। उसे तो अब ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए, अपनी पत्नी को इतनी बड़ी बात कैसे बताए। इसी वजह से और दूसरी नौकरी की तलाश में वो पूरा दिन वैसे ही इधर उधर भटकता रहा। उसने कई लोगों से जाकर बात की, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो अब बहुत परेशान हो चुका था। आखिरकार वो थक हार कर शाम में घर लौटा। पत्नी ने उसके चेहरे को ही देखते ही समझ लिया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। पत्नी तुरंत
एक पानी का ग्लास लेकर आई और उनको वो पानी का ग्लास देते हुए उनके बगल में बैठ गई। पंकज ने भी पानी का ग्लास लिया और एक ही घूंट में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। अब पत्नी एक अजीब सी नजरों से पति की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर तक पंकज ने भी कुछ नहीं बोला। आखिरकार पत्नी ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए पंकज से सवाल किया, क्या बात है, आप आज बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो बताइए ना। पंकज ने अपनी पत्नी की तरफ उसी उदासी भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपनी पत्नी को देखकर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसके आंखों से वो आंसू छलक गए और उसने बताया कि उसके सेठ यहाँ से आज अचानक दुकान बंद करके चले गए हैं। पूरा दिन वो नौकरी के तलाश में भटकता रहा, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाया। पत्नी ने इस बात और परेशानी दोनों की गंभीरता को समझते हुए पहले तो अपने पति को थोड़ा भरोसा दिलाया और फिर ये कहने लगी, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी यहाँ बगल के घरों में किसी ना किसी काम वाली की ज़रूरत होगी ही, तो देखती हूँ अगर मुझे हुआ तो मैं कुछ दिनों के लिए कोई काम पकड़ लूँगी। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब ये बात बहुत बड़ी तो थी, लेकिन पत्नी के समझदारी के वजह से पति को कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक दिलासा मिला, जिसके वजह से वो अब इस चीज़ को लेकर परेशान तो था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए ये कहा, ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि अगल बगल में है कुछ काम के लिए, तो फ़िलहाल के लिए तुम अभी वो काम पकड़ लो, बाकी मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। और इसी तरह से अगले दिन पत्नी ने अपने लिए 3 घर काम के लिए पकड़ लिए। ये बात बहुत ही खुशी खुशी उसने शाम में अपने पति को बताई और उससे ये पूछा, आपके जॉब का कुछ हुआ क्या? लेकिन पंकज ने बहुत ज़्यादा उदासी भरी आवाज़ में कहा, नहीं, आज भी वैसे ही हर जगह से बस थक हार कर वापस से आ गया हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए जाकर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। पत्नी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी दोस्त के पास बैठकर उससे बात करने पर क्या पता इस समस्या का कोई हल निकल पाए, या फिर हल निकले ना निकले उनका मन तो थोड़ा शांत हो जाएगा। और पत्नी ने पति को जाने दिया। पति भी अपने एक बहुत पुराने बचपन के दोस्त के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही दोस्त ने भी चेहरा देखते ही तुरंत ये अंदाज़ा लगा लिया कि पंकज किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। दोस्त बहुत ही सामान्य तरीके से आकर उससे मिला और हालचाल पूछने लगा। हालचाल पूछते ही जैसे पंकज इसी इंतज़ार में था कि कोई उससे ये सवाल करे, उसके मन का सारा दुख एक बार में ही बाहर आ गया। इस पर उसके दोस्त ने कहा, अरे यार, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा और अभी तो 2 दिन हुए हैं। वैसे तू अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? पंकज ने कहा, हाँ बोलना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? दोस्त ने कहा, तुझे घड़ियों की काफ़ी जानकारी है और इस इलाके में घड़ियों के लिए कोई दुकान भी नहीं है, तो जहाँ तक मुझे लगता है तुझे अब ये नौकरी वोकरी का चक्कर बंद करना चाहिए और यहाँ पर इसी इलाके में कोई अच्छा सा छोटा सा दुकान देखकर अपने घड़ियों की दुकान डाल दे। इस पर पंकज ने कहा, अरे यार, ये तो मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ, तुझे भी पता है, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। अगर मान ले मैं ये चीज़ कर भी दूँ तो उसके लिए पैसे चाहिए, और तुझे भी पता है पैसे मेरे पास इतने हैं नहीं कि मैं दुकान डालना, सारी चीज़ों का लाकर स्टॉक बनाना, ये चीज़ें अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तुझे पता तो है मेरी हालत। इस पर दोस्त ने कहा,
तू चिंता क्यों कर रहा है? तू पहले दुकान तो ढूंढना शुरू कर, कुछ न कुछ उपाय तो हो ही जाएगा, और थोड़े बहुत पैसे तो मेरे पास भी हैं। तू अपनी पत्नी से पूछ कर देख, कुछ नहीं तो कुछ समय के लिए अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख देना, उससे जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर तू अपनी पत्नी के जेवर छुड़ाकर उसे वापस दे देना। पंकज को भी कहीं ना कहीं ये बात जच गई। पंकज ने भी यही कहा, ठीक है तू बात तो सही कह रहा है, अच्छा तेरी नज़र में है क्या कोई दुकान? दोस्त ने कहा, नहीं यार अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन अब तेरे से बात हुई है तो मैं 3-4 लोगों से पूछ कर देखता हूँ, अगर कुछ पता चलेगा तो फिर देखते हैं। सच में पंकज के किस्मत में शायद ये दुकान डालना था, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि कोई एक था जो चाहता था कि पंकज उसके करीब तक आए, इसलिए अपने आप ये रास्ते बनते चले गए। पंकज को बहुत ही आसानी से अगले दिन ही एक दुकान का पता चल गया, और उस दुकान का पता चलते ही पंकज वो दुकान देखने के लिए चला गया। पंकज को वो दुकान एक ही नज़र में पसंद आ गई, और तो और बजट भी उसके हिसाब से ही था। उसके ऊपर से सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भी पैसे दुकान के लिए देने थे वो एक बार में देने भी नहीं थे, वो आराम से 12 महीनों में वो किश्त पूरी कर सकता था। इतनी सारी चीज़ें एक साथ पंकज के साथ हो रही थी कि पंकज के मन में ऐसा कोई सवाल भी नहीं आया कि आज के ज़माने में ऐसे कोई किसी की मदद क्यों करता है। लेकिन पंकज को तो किसी के नज़दीक जाना था, इसलिए इस मामले में ना तो पंकज का दिमाग चला, ना ही उसकी पत्नी का और ना ही उसके दोस्त का। सब कुछ फाइनल हो चुका था। पत्नी के थोड़े जेवर ही गिरवी रख के शुरू शुरू में पंकज ने थोड़ा बहुत सामान ही, मतलब घड़ियां, घड़ियों में लगाने की बैटरी, उसके पिन, सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था। और 3 दिन के अंदर अंदर ही पंकज ने अपनी दुकान भी शुरू कर ली थी। पंकज ने अपनी दुकान तो शुरू की, लेकिन दुकान के लिए कोई पूजा पाठ नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि ना तो पंकज ना ही उसकी पत्नी कोई भी भगवान में नहीं मानता था। वो भगवान का पूजा पाठ अपने घर पर भी बिल्कुल नहीं करते थे। 2-3 दिन तक तो दुकान की हालत ऐसी थी जैसे कि बस दुकान किसी तरह से चल रही है, इक्का दुक्का लोग गलती से कभी दुकान पर आ जाया करते थे। अब धीरे धीरे पंकज जबकि पहले से ही हताश था, वो इन चीज़ों को काफ़ी उम्मीद से शुरू करने के बाद अब जबकि इन चीज़ों में भी इतनी देरी हो रही थी, वो इतना परेशान हो गया कि उसने अब वापस से हारे हुए इंसान की तरह बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, भगवान तो वैसे भी कभी किसी की नहीं सुनते, भगवान नहीं कोई और ही सही सुन ले, कोई तो ऐसा चमत्कार कर दे जिससे मेरी दुकान दौड़ पड़े और मेरे सारे पैसे की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वैसे भी कहते हैं ना कि भगवान आपकी सुनते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ी देर में, और आपकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार, लेकिन शैतानों को इस चीज़ के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी मदद और आपको खुद के होने का एहसास बहुत जल्दी ही दिला देते हैं। पंकज के बस इतना कहने की ही देरी थी, अचानक से एक बूढ़ा इंसान उसके दुकान के आगे आकर खड़ा हुआ। वो जब उसके दुकान के आगे आकर खड़ा हुआ था तो उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। पंकज अपनी दुकान बस बढ़ा कर निकलने ही वाला था, तब तक वो इंसान उसके दुकान के आगे आकर खड़ा हुआ और वो पंकज से कहने लगा कि उसकी घड़ी बंद हो गई है। पंकज ने देखा उसकी घड़ी में भी 10 ही बज रहे थे, और वो घड़ी
बंद थी। पंकज ने जैसे ही उस घड़ी को पकड़ा और कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो घड़ी तुरंत चालू हो गई। पंकज ने कहा, आपकी घड़ी तो चालू हो गई सर, इसमें पता नहीं क्या हुआ था। उस आदमी ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पंकज को 100 रुपए का नोट पकड़ाया और वहां से जाने लगा। पंकज ने कई बार आवाज भी दी कि वो किस बात के पैसे दे रहा है, उसने तो घड़ी ठीक ही नहीं की, घड़ी तो पकड़ते ही चालू हो गई। लेकिन उस इंसान ने एक बार भी पंकज की आवाज नहीं सुनी और वो पंकज के नजरों के सामने से ही थोड़ी दूर में जाते जाते कहीं ओझल हो गया। पंकज को लगा जैसे वो आगे किसी मोड़ में चला गया होगा। उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और उसने अपनी दुकान बढ़ाई, मतलब बंद की, और वहाँ से घर के लिए चला गया। आज पंकज काफ़ी खुश था क्योंकि इतने दिनों में पहली बार आज पंकज की कमाई इतनी हुई थी। पंकज घर पर खुशी खुशी गया और उसने अपनी पत्नी को आज की सारी बातें बताई। पत्नी भी काफ़ी खुश हुई और मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है ना, आपने घड़ी बनाई भी नहीं, कुछ करना भी नहीं पड़ा और वो ऐसे ही पैसे दे के चला गया। हमें क्या करना है, वैसे भी लोग आए, काम कराएं नहीं कराएं, पैसे देकर चले जाएं, हमें तो पैसे से मतलब है। पंकज ने कहा, हाँ वो है, लेकिन बिना कुछ काम किए किसी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है। पत्नी ने कहा, जाने दीजिए, आपने तो आवाज़ देकर बुलाया भी, पैसे भी देने की कोशिश की, उसने नहीं सुना तो उसकी गलती है। और देखना, अगर आपको इतना ज़्यादा लग रहा है, वो फिर आपको कभी आसपास दिखे तो उसके पैसे वापस कर देना। पंकज ने कहा, सही बोल रही हो तुम, हाँ ये ठीक रहेगा। और फिर दोनों ने खाना खाया, खुशी खुशी सो गए। वापस से अगले दिन पंकज अपने दुकान पर पहुंच चुका था। आज उसके दुकान में रोज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आ रहे थे और ग्राहक दिन बीतते के साथ बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे सारे लोग जैसे अचानक से घड़ियां पहनना शुरू कर चुके थे, या फिर सबके घर की घड़ी आज अचानक बंद हो गई थी। पंकज को इस बात से काफ़ी खुशी हो रही थी। वो तो बस सुबह से खाना पीना सब कुछ भूलकर काम में लगा हुआ था। वो लगातार सबकी घड़ियां बनाए जा रहा था और पंकज को पैसे मिलते जा रहे थे। आज पूरे दिन में पंकज की कमाई इतनी हो चुकी थी जितने की पंकज ने शायद पूरे महीने की कमाई भी नहीं सोची होगी। अब लगभग रात के 10 बज चुके थे। वो वापस से अपनी दुकान को बढ़ाकर घर जाने ही वाला था। तब तक अचानक वही कल रात वाला बूढ़ा आदमी पंकज की दुकान पर आ गया। फिर से उसने अपनी घड़ी पंकज की तरफ बढ़ा दी। बूढ़े आदमी की घड़ी फिर से आज 10 बजे पर ही बंद होकर रुकी हुई थी। पंकज ने फिर से उसकी घड़ी ली और हाथ में पकड़ते ही वो घड़ी फिर से चालू हो गई। पंकज ने फिर से उस घड़ी को उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया और ये कहा, साहब आप कल मुझे काफ़ी सारे पैसे देके चले गए थे और मैंने आपकी घड़ी में कुछ बनाया ही नहीं था। वैसे तो आज भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है, वापस से कल ही की तरह आपकी घड़ी मेरे हाथ में लेते ही चल पड़ी है, तो आप अपने कल के पैसे ले जाइए और आज भी आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात पर उस बूढ़े आदमी ने पंकज को मना करते हुए एक और 500 की पत्ती पंकज की तरफ बढ़ा दी और ये कहा, ये रख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और इतना कहकर वो फिर से चला गया। पंकज ने आज ना तो उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उससे बात करने की। वो आदमी फिर से पिछली रात की ही तरह थोड़ी देर में पंकज की नज़रों से ओझल हो चुका था। पंकज ने फिर से अपनी दुकान बढ़ाई और घर पहुंच गया। आज पंकज कल से भी ज़्यादा खुश था।
उसने घर में घुसते ही अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हें पता है आज कितनी कमाई हुई है? इतनी जितनी कि मैं सोच भी नहीं सकता। और ये कमाई तो मैंने महीने भर में भी नहीं सोची थी कि हम इतनी कमाई भी कर सकते हैं। अब तो अगर मैं पूरे महीने भी दुकान ना जाऊँ ना, तो हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव की, पूरे शहर की सबकी घड़ियां एक साथ ही खराब हो गई हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। पत्नी अपने पति को इतना खुश देखकर काफ़ी खुश थी। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपने इसी उम्मीद में ये दुकान चालू की थी कि यहाँ दूर दूर तक कोई घड़ी की दुकान नहीं है, तो आपकी दुकान ऐसी ही चलेगी। और आप चिंता मत कीजिए, अब हर दिन आपका काम ऐसे ही चलेगा। हर पत्नी अपने पति के आगे बढ़ने की ही उम्मीद करती है, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन पति किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर भी बातें डिपेंड करती हैं। ये बात पति पत्नी दोनों में से किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी कि अचानक ऐसा हुआ तो हुआ क्या, जो रातों रात पंकज की किस्मत ऐसे पलट गई। अब अगले दिन से पंकज के दुकान पर लोगों की भीड़ वैसे ही लगी रहती, और पंकज दिन भर काम में मशरूफ रहा करता, और हर शाम मतलब हर रात दुकान बढ़ाते वक्त रात के 10 बजे वही बूढ़ा आदमी दुकान पर आ जाया करता। हर रोज़ उसकी घड़ी वैसे ही 10 बजे के ही वक्त पर बंद रहा करती थी। पंकज रोज इसी तरह से जैसे उसकी घड़ी को हाथ में लेता, वैसे ही उसकी घड़ी चल पड़ती, और हर रात वो उसे पैसे बढ़ा कर देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता। ये सारी चीज़ें पंकज को अब धीरे धीरे थोड़ी अजीब लग रही थी। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत चुका था। पंकज, जो कि इस दुकान के पैसे 12 महीनों के किश्तों में देने वाला था, वो अब पूरी किश्तें एक महीने में चुका चुका था। उसने अपने दुकान में काफ़ी सारा सामान भी बढ़ा लिया था। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। पत्नी ने भी जिन घरों में काम पकड़ रखा था, उन घरों में काम करना अब बंद कर दिया था, क्योंकि पंकज ने ही ऐसा कहा था। अब उनकी अगली चीज़ जो उन्हें मिलने वाली थी, वो थी उनके बच्चे की एक बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराने का सपना पूरा होना। ये भी दूसरे महीने में ही पंकज ने कर लिया। पंकज अब इतना खुश था कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। अब धीरे धीरे पंकज के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। आज रात 10 बजे पंकज ने, जब वो बूढ़ा आदमी आया, तो उससे बातें करने की कोशिश की और ये कहा, बाबा आपको पता है, आप बहुत लकी हैं मेरे लिए। आप ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पैसे पहली बार दिए थे, और बस लगा जैसे आपने कोई जादू कर दिया। आपने जैसे ही मुझे वो पैसे दिए, अगले दिन से मेरी दुकान इतनी ज़्यादा चल पड़ी कि पूछिए मत। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ महीने ऐसे ही चला तो मैं अब दुकान बदल लूँगा। इस पर आज अचानक पहली बार उस बूढ़े आदमी ने पंकज से बात की और उसे कहा, ये दुकान छोड़कर तुम कहीं नहीं जाना। ये बात सुनकर पंकज को थोड़ा अजीब लगा और पंकज ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पंकज के ये सवाल करने पर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि तेरी मांग पूरी हो गई है, अब तुझे भी किसी की मांग पूरी करनी पड़ेगी, और अगर तू और अच्छे दिन देखना चाहता है तो इस दुकान को छोड़कर जाने के बारे में अपने मन से
ख्याल निकाल दे और आज रात से अपनी इस दुकान को बंद करके जाते वक्त इसके अंदर कुछ मिठाइयाँ रख कर जा। तेरी जिंदगी में और भी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। ये बात पंकज को काफ़ी अजीब लगी। उसने उस बूढ़े आदमी से इन बातों का जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और आज वो पंकज को हमेशा की तरह बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से चला गया। पंकज उस आदमी के जाने के बाद अब ये सोच रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा तो चल रहा है, लेकिन क्या बुरा है अगर सब कुछ और अच्छा हो जाए तो। और वैसे भी उसी आदमी के मेरे दुकान पर आने के बाद से मेरे दुकान में और मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो क्यों ना मैं उसकी बात मान लूं और मैं सच में आज दुकान बंद करके जाने से पहले यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ रख कर जाऊँ। लेकिन अब रात के 10 बजे उसे मिठाइयाँ मिलेंगी तो कहाँ। पंकज दुकान का शटर आधा गिराकर इधर उधर कोई मिठाई की दुकान ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसकी किस्मत शायद अच्छी थी, या फिर पंकज जिसे मिठाई खिलाना चाहता था उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो मिठाई की दुकान अभी भी खुली हुई थी। पंकज ने अपने हिसाब से 4-5 तरह की कुछ मिठाइयाँ लीं और वापस आ गया। वापस आने के बाद अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये मिठाइयाँ कहाँ रख कर जाए। पंकज ने वहीं अपने काउंटर पर एक पेपर पे वो मिठाइयाँ रखी और वहाँ से निकल गया। पंकज ने जैसे ही अपने दुकान का शटर डाउन किया, पंकज को अजीब सी आवाज़ अपने दुकान के अंदर से सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत अजीब तरीके से चबा चबा कर या फिर जीभ घुमा घुमा कर किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ सुनकर पंकज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पंकज ने इसे अपना वहम समझा और दुकान को बंद करके वहाँ से आगे बढ़ गया। वो घर पर पहुँचा और उसने आज बूढ़े से की हुई बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी ने ये कहा, अरे आपको सच में दुकान अभी बदलने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी आपने इसके पूरे पैसे चुका दिए हैं। दूसरा कि ये दुकान आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है, मान लीजिए आप कहीं और दुकान बदलिएगा और वहाँ पर जा कर के आपको वापस से दुकान जमाने को वक्त लगेगा, सब कुछ तो अच्छा है, ऐसा कुछ मत सोचिए। पंकज ने कहा, यही बात मुझे उस बूढ़े आदमी ने भी कही कि दुकान यहाँ से बदलने की सोचना भी मत, तुम्हारी किस्मत यहाँ इसी दुकान से जुड़ी हुई है। इस बात का मतलब मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो पता नहीं क्यों अजीब तरीके से शक्ल बना के बातें कर रहा था, जो जो बातें बतानी थी बताया और फिर वहाँ से चला गया। पत्नी ने कहा, जाने दीजिए आप कहाँ उनकी बात में लगे हैं, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए आपको यहाँ से दुकान बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फालतू की चीज़ें करके क्या मतलब है। फिर पंकज ने कहा, हाँ कह तो तुम सही रही हो, दुकान वैसे भी बहुत मुश्किल से यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है, तो दुकान नहीं ही बदलूँगा। पंकज का ये मन बनना ही था, क्योंकि पंकज अब इस जगह को चाह कर भी छोड़कर जा नहीं सकता था। पंकज ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई कि उसे उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था कि वो आज रात में मिठाइयाँ अपने दुकान के अंदर छोड़कर आए। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप ऐसे किसी भी स्थान पर मिठाइयाँ या कोई ऐसी चीज़ जो कि ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ खींचते हैं, रखना छोड़ना ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जाने अनजाने ऐसी शक्तियों को अपने तरफ आने का आमंत्रण दे रहे हैं। और तो और, अगर ये शक्तियाँ पहले से आपके आसपास हैं और उसके बाद
अगर ये शक्तियाँ आपसे ऐसा कुछ करवा रही हैं, इसका मतलब आप उनको खुश करने का काम कर रहे हैं, उनके मन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो ये शक्तियाँ फिर आपसे दूर चली जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पंकज ने आज इस चीज़ की शुरुआत तो खुद अपने हाथ से कर दी थी। अगले दिन पंकज का व्यापार सच में पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा और ज़्यादा बहुत अच्छे से चलने लगा। पंकज अब इतना खुश था कि उसे अब ऐसा लगने लगा कि उसे अपने दुकान में किसी और को भी रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, अकेले वो इतना सारा काम नहीं संभाल पाएगा। पंकज ने ये बातें 3-4 लोगों तक पहुंचा दी। अब ये बातें धीरे धीरे उसके मोहल्ले में भी फैलने लगी। अब सारे लोगों को ये लगने लगा, पंकज बोल तो रहा है कि उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, इतने सारे काम कर लिए इसने, ये बोल झूठ रहा है, क्योंकि हम में से कोई तो इसकी दुकान पर जाता ही नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनके पास इतनी घड़ियाँ हैं कि रोज़ इसकी दुकान पर पहुँच जाते हैं। ये बातें उसके पड़ोसी कर रहे थे। फिर उन्हीं पड़ोसियों में तीसरा इंसान बोला, हाँ अगर मान लो वो झूठ भी बोल रहा है तो इतने पैसे आए कहाँ से उसके पास, वो क्या चोरी डकैती कर रहा है। इस पर पड़ोसी ने कहा, अरे उसकी दुकान पर तुम जाकर खड़े भी हो जाओ, कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं आता है उसकी दुकान पर, दिन भर अकेले पता नहीं क्या लेके घुमाता रहता है, करता रहता है, वो करता क्या है वो भी नहीं दिखाई देता है, और बस बोल रहा है मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और अब उसे लड़का भी चाहिए कि उससे अकेले काम नहीं संभल रहा, ऐसा थोड़ी होता है। सारे लोग आपस में जिस तरह से बातें कर रहे थे, इसका मतलब क्या पंकज के दुकान पर सच में कोई नहीं आ रहा था, ये पंकज का वहम था, या फिर पंकज के दुकान पर ऐसा कोई आ रहा था जिसे आम इंसान देख नहीं पा रहे थे। पंकज की कमाई तो हो रही थी, उसके घर में सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, और तो और आज उसकी दुकान इतनी ज़्यादा अच्छी चली थी कि पंकज अब धीरे धीरे एक नया अच्छा घर लेने का भी सोचने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? और अब इन्हीं चीज़ों को जांचने के लिए वहाँ पंकज के यहाँ पर एक लड़का काम मांगने के लिए आया। ये लड़का कोई और नहीं था, पड़ोसियों में से ही किसी एक का ये बेटा था। सारे लोगों ने आपस में ये तय किया था कि उन्हें भी अब ये जानना है कि पंकज के पास इतने पैसे आते हैं तो आते कहाँ से हैं, पंकज ऐसा क्या काम कर रहा है, क्या सच में उसकी दुकान पर दिन भर इतनी भीड़ रहती है, या फिर पंकज कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। अब वो लड़का वहाँ काम मांगने गया। पंकज ने जब उससे पूछा कि उसे घड़ी की कोई जानकारी है, उसने कहा नहीं, लेकिन अगर आप मुझे सिखाइएगा तो मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा। पंकज को ज़रूरत तो थी ही, उसने उस लड़के को काम पर रख लिया। आज पंकज के साथ वो लड़का सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर यही देख रहा था कि पंकज जो घड़ियाँ बनाता है वो बनाता कैसे है, लेकिन उस लड़के को ना तो उस दुकान पर आने वाले ग्राहक नज़र आ रहे थे और ना ही उनके द्वारा दी जाने वाली घड़ियाँ। ये क्या था? वो लड़का बार बार लगातार पंकज को सिर्फ ऐसे ही हवा में हाथ हिलाता, घड़ी ठीक कर रहा हूँ, घड़ी ठीक कर रहा हूँ बोलता हुआ देख रहा था। और अब ये सारी चीज़ें ये इशारा कर रही थी कि या तो पंकज पागल हो गया है या फिर वो ऐसे ही मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ सुना रहा है। अब उस लड़के को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि जैसे जैसे पंकज ये बताता जा रहा था कि उसके यहाँ लोग आकर घड़ियाँ बनवाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस लड़के को कोई ग्राहक या घड़ी
दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ड्रॉअर के अंदर पैसे लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे। ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो रहा था? वो लड़का अब इतना घबरा चुका था कि वो थोड़ी ही देर में वहाँ से भागकर वापस अपने घर चला गया। और जब उसके माता पिता ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। माता पिता को ये चीज़ें सुनकर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अगले दिन किसी और के बेटे को भेजते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया। अगले दिन कोई और लड़का गया, उसके साथ भी वही सारी चीज़ें हुई जो कि पहले दिन पहले लड़के के साथ हुई थी। अब धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होकर पंकज से सवाल जवाब करने लगे और पंकज से उन्होंने सारी बातें बता दी। पंकज किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि पंकज के सामने तो सारे ग्राहक होते थे, पैसे भी आ रहे थे, वो घड़ियां भी बना रहा था, फिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? धीरे धीरे पंकज के मन में भी सवाल आने लगे थे। पंकज ने उस रात के बाद से ये काम लगातार शुरू कर दिया था। वो हर दिन बूढ़े आदमी के बताए अनुसार उस क्वांटिटी में मिठाइयाँ और अलग अलग चीज़ें अपने दुकान के अंदर रख कर जाया करता और अगले दिन सुबह वो सारी चीज़ें वहाँ से गायब होती थीं। पंकज को इन चीज़ों से थोड़ा डाउट तो पहले होने लगा था, लेकिन अब जब गांव वाले भी ऐसी बातें करने लगे तब पंकज का ये शक अब विश्वास में बदलने लगा। आज वो रात में रुककर उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार कर रहा था। जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँचा तब पंकज ने अपने सारे सवाल एक साथ उस पर दाग दिए। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया, तूने ही तो कहा था ना कि तुझे भगवान या शैतान किसी से भी मदद मिलनी चाहिए, तो तुझे मदद मिल गई, भगवान की ना सही मेरी सही, अब इसमें बुराई क्या है? तू जो इतने दिनों से कर रहा है, तुझे नहीं पता कि तू क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? अगर तूने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तू इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये बात पंकज को सुनकर अब पंकज के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। जब तक आप इन चीज़ों की सच्चाई नहीं जानते तब तक सब कुछ सही होता है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अगर आप इन चीज़ों से घबरा जाते हैं तो आप कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। पंकज ने जैसे तैसे 3-4 दिन तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बात को पंकज ना तो हजम कर पा रहा था और ना ही छुपा पा रहा था। पंकज ने ये बात अपनी पत्नी को बता दी और उसी रात जब पंकज सोया उसके बाद पंकज कभी उठा ही नहीं, क्योंकि पंकज ने अपना किया हुआ वादा सौदा तोड़ दिया था, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को जो अपना फीडबैक हमेशा मेरे साथ शेयर करते हैं। प्लीज़ आप ऐसे ही हमेशा अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करते रहें, इससे मुझे बहुत हिम्मत भी मिलती है और खुशी भी। तो आज के लिए बस इतना ही।
मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।